Hey there, welcome back to the channel. This side Ranjit. Today we'll be discussing educational code forces round 119 rated for div 2 problem B triangles on a rectangle. So basically हमें यहाँ दो inputs free मतलब defined होंगे, एक होगा origin and coordinates हमें दो given होंगे, एक origin होगा और एक opposite corner होगा of that rectangle, ठीक है. एक रेक्टेंगल है बेसिकली, उसका एक कोऑर्डिनेट 0,0 है, वन ऑफ द कॉर्नर्स का कोऑर्डिनेट है और उसके जो अपोजिट होगा मतलब डायगोनली अपोजिट वाले के जैसे बात हो रही है. दिखा भी देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा. जैसे वन ऑफ द कॉर्नर्स पे हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 0,0 ऑफ रेक्टेंगल, तो अदर कॉर्नर पर W,H होगा, ठीक है. और उसके साइड्स का हमें इनपुट दिया जाएगा. बेसिकली पहला दो लाइन ऑफ इनपुट हमारा वहाँ पर जो क्वेश्चन में स्टेट किया गया कि पहला दो लाइन ऑफ इनपुट हमारा फर्स्ट टू लाइंस जो कि हॉरिजॉन्टल है, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स का इनपुट रखेगा. तो यहाँ पर हमारा देख सकते हो आप वाई कांस्टेंट होता है, ठीक है. लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस में वाई कांस्टेंट होता है, वेल नोन है. तो हमारे को एक्स कोऑर्डिनेट दिया जाएगा बेसिकली, ठीक है. अगर यहाँ कुछ एक्स वन लेट से एक्स वन मिलता है हमें, तो यहाँ का हम कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, एक्स वन कॉमा एच. एंड सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, एक्स टू कॉमा एच एंड सो ऑन, ठीक है. इसी तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे सबके कोऑर्डिनेट्स को. सिमिलरली अदर टू लाइन जो कि इसके बाद आएंगे इनपुट्स में, वो इसके वाई कोऑर्डिनेट्स कंटेन करेंगे, ठीक है. ठीक, लेकिन हर में कितना एक्स होगा कितना वाई होगा वो इन इनपुट्स के जस्ट पहले बता दिया जाएगा आपको. लेट्स से इसके लिए के है तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके लिए भी के है तो इसके लिए भी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके लिए के टू है तो इसके लिए के टू कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है. वो हम देख लेते हैं इनपुट से, समझ लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर हमारे पास था टू, के का वैल्यू टू है तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं. ये फर्स्ट लाइन है तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का कोऑर्डिनेट है, तो एक्स वन का वैल्यू वन है, एक्स टू का वैल्यू टू है. देन थ्री है, ये भी ये सेकेंड लाइन ऑफ इनपुट है, तो ये किसका होगा, ये भी हमारा हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन का ही कोऑर्डिनेट हो गया, टू थ्री एंड फोर, ठीक है. सो अब हमें क्या करना है, हमारा यहाँ पर बेसिक गोल यह था कि हमें ऑब्टेन करना था ऐसा रेक्टेंगल जिसका दो साइड मतलब सॉरी दो कोऑर्डिनेट एटलीस्ट सेम साइड पे फॉल करें एंड उसका एरिया मैक्सिमम हो, ठीक है. लेट्स से हम इस साइड से दो कोऑर्डिनेट उठा लेते हैं, लेट्स से ये और ये उठा लिए और फिर एक पॉइंट से मर्ज करा लेते हैं अदर साइड पे जो हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है. तो ये जो एरिया होगा ट्रायंगल का वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है. यही क्राइटेरिया है हमें पॉइंट सेलेक्शन का, हमें ऐसे तीन पॉइंट सेलेक्ट करने हैं और एरिया मैक्सिमाइज करना है, और जो मैक्सिमम हो एरिया होगा रेक्टेंगल का उसका ट्वाइस प्रिंट कराना है, ठीक है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पहले बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं, वो क्या होता था हमारा, ठीक है. वो होता था हाफ टाइम्स बेस इनटू हाइट, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला जो बहुत बचपन में भी आप यूज़ किए होंगे होपफुली, ठीक है. तो आपको इसी के अकॉर्डिंग सोचना है, तो आपको क्या करना है, हाफ तो कांस्टेंट है, ठीक है. तो इसमें ये इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, आपका कंट्रोल है बेस और हाइट पे. तो हम बेस और हाइट का प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने का देखेंगे. तो यहाँ दो केसेस बनेंगे, ठीक है. पहला केस में हमारा ट्रायंगल का हाइट ये पूरा बन गया, यानी कि W बना हाइट, और दूसरे केस में ये बन जाएगा हाइट जो कि है h, ठीक है. या तो W होगा हाइट या तो h होगा हाइट, ठीक है. हम किसको पिक करेंगे बेसिकली, इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा. हमारे पास ऐसे दो ही पॉसिबिलिटी आएंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर से लाइक ट्रायंगल अगर बनाते हैं ऊपर से दो कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करके, तो हमें बेस को मैक्सिमाइज करना होगा. लेट्स सी कि हमें हमारा कॉम्पिटिशन लेट्स से अगर हमें केवल हॉरिजेंटल पॉइंट्स ही सेलेक्ट करने रहते और हमें एरिया मैक्सिमाइज करना होता तो आप कैसे करते. बेसिकली हमारा हाइट तो फिक्स हो जाता उस केस में, ठीक है. चाहे आप ऐसे लो मतलब ऊपर से ओरिएंटेशन लो दो पॉइंट सेलेक्ट करके, या फिर नीचे से आप लो, दैट डजेंट मैटर, क्योंकि आपका हाइट तो फिक्स है, ठीक. लेकिन आपका यहाँ मैटर क्या कर जाएगा, बेस. तो आप बेस बढ़ाने के लिए क्या करोगे, दो नोन कोऑर्डिनेट्स को आप लोगे इंड बाय इंड टू इंड, आप नोन कोऑर्डिनेट्स को पिक कर लोगे, ठीक है. बेसिकली तो हमारे पास यहाँ नॉन कोऑर्डिनेट्स एक 0,0 है और ये है कि, तो हमारे पास लोएस्ट कोऑर्डिनेट तो ये है, ओके.
एंड जो हमारा सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट है वो ये है, ठीक है। तो अगर जैसे कि हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम लाइक हमें बेस को मैक्सिमाइज़ करना है, तो इस केस में हम बेस को मैक्सिमाइज़ कर लेंगे, ओके, बाय सेलेक्टिंग होल ऑफ द, मतलब जो मैक्स टू मैक्स जो एक्स का वैल्यू है और जो मिनिमम टू मिनिमम एक्स का वैल्यू है, हम उन दोनों को बेसिकली उनका डिफरेंस को बेस मानेंगे और हाइट से इंटू कर देंगे, वो हमारा फर्स्ट एरिया आएगा इस ओरिएंटेशन में, और इस ओरिएंटेशन में जो लीड करेगा उसका बेस क्या होगा, मतलब उसका बेसिकली कंपैरिजन किस बेसिस पे होगा, उसका कंपैरिजन बेस के बेसिस पे होगा, जिसका बेस बड़ा उसका एरिया बड़ा होगा, क्योंकि हम यहाँ हाइट कांस्टेंट कर दिए थे। तो आप लेट्स से अगर ये सेलेक्ट करते हो, ये ट्रायंगल है, ठीक है, और एक यहाँ से एक ट्रायंगल आ रहा है, तो ये बेस छोटा है लेट्स से और ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है ये इसका एरिया बड़ा होगा। रीज़न, हाइट कांस्टेंट कर दिया हमने, दोनों के लिए हाइट सेम ही हो जाएगा, तो बेस से ही कंपेयर करोगे ना आप, एरिया फैक्टर तो वही बचता कंपैरिजन का। सिमिलरली आप हॉरिजॉन्टल में भी करोगे, दोनों में कंपेयर करना है हमें, और दोनों में जो बड़ा होगा हम उसे पिक कर लेंगे, ठीक है, जिन दोनों में जिसका बेस बड़ा होगा बेसिकली, जो कि हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द टू कोऑर्डिनेट्स होगा, ठीक है, एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स, एक्सट्रीम पे जो हमारा दो कोऑर्डिनेट्स है उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस हम लेंगे, एंड देन हम फर्दर कंपेयर कर लेंगे लेंथ इनटू, मतलब बेस इनटू हाइट, किसका बड़ा है, किस केस में बड़ा है प्रोडक्ट हमारा, रिजल्टेंट एरिया किस केस में बड़ा है, ठीक है, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें एरिया भी टाइम्स टू करके आउटपुट करने बोला गया है, ठीक है। कोड देख लेते हैं, ओके, सो कोड देखते हैं। सो हमारा पहला इनपुट था डब्ल्यू एच, जो कि अपोजिट कॉर्नर्स थे, ठीक है, हमने उसका इनपुट लिया। उसके बाद फर्दर हमने क्या किया कि लेट्स से हम हर एक साइड का कोऑर्डिनेट्स का इनपुट ले लिए, साइड वन, साइड टू, साइड थ्री, ऐसे वेक्टर्स बना के मैंने हर एक साइड का इनपुट ले लिया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, बेसिकली हर एक से क्या किया, एक एच वन बी वन लेट से हम ले लिए थे, मैंने लिया था, जैसे कि बी वन मैंने हॉरिजॉन्टल साइड के केस में लिया था, जो कि बेस हमें चूज़ करना था, क्योंकि एच हम कांस्टेंट है हमारे पास, तो बी वन हम पहले ऑप्टेन करेंगे और बी वन को कंपेयर करेंगे, जिसका भी मैक्स होगा उस बी वन को हम फर्दर प्रोसेस के लिए आगे बढ़ाएंगे। तो बी वन क्या होगा, बेसिकली हम एक्सट्रीम साइड्स का डिफरेंस ले लिए थे, वो तो पहले सॉर्टेड था, तो हम एक्सट्रीम साइड का डिफरेंस सीधा ले लिए, ठीक है, एंड देन हम ऑप्टेन कर लिए बेस, एंड सिमिलरली हम अदर केस में भी बेस ऑप्टेन किए, ठीक है, मैक्स निकाले दोनों को कंपेयर करके बेसिकली, देन फिर हम सिमिलरली हाइट के लिए काम किए, जो कि हमारा वर्टिकल वाला ओरिएंटेशन का केस था, ठीक है, वर्टिकल ओरिएंटेशन का केस जो था उसमें हमने, हमारा हाइट क्या बन गया, W बन गया, ठीक है, W बन गया हाइट उस केस में, तो हमारा बेस जो था वो थर्ड और फोर्थ लाइन का एक्सट्रीम वैल्यू हो गया, जो कि H1 हो रहा था हमारे लिए, ठीक है, वर्टिकल ओरिएंटेशन में हमारा चल गया था हाइट, ठीक, तो हम H1 को उसी तरह से ऑब्टेन करेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज़ का डिफरेंस लेके, और फिर फर्दर हम कंपेयर कर लेंगे, जिसका भी एरिया बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इफ़ यू हैव एनी डाउट पोस्ट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।